हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एक छोटा सा फॉल्ट समझेंगे। ये इस मॉडल की रेफ्रिजरेटर है जिसमें पीसीबी लगी होती है और इसमें दो सेंसर होते हैं। दोनों सेंसर बायमेटल की जगह लगे होते हैं। जिस तरह से नॉर्मल डबल डोर रेफ्रिजरेटर में बायमेटल लगा होता है, इसमें बायमेटल ना लग के दो सेंसर लगे होते हैं और ये सेंसर में से एक सेंसर खराब है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़बरदस्त आइस जम रही थी, क्योंकि सेंसर के ख़राब होने की वजह से इसका हीटर काम नहीं कर रहा था। और जब ये हीटिंग मोड में जाती थी तो हीटर चूंकि काम नहीं कर रहा था, इसलिए आइस मेल्ट नहीं हो रही थी और इस वजह से इसमें नीचे के पार्ट में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही थी, जबकि ऊपर ज़बरदस्त आइस जम रही थी। जब हम लोगों ने इसको निकाला तो इसमें आइस थी, इस आइस को हम लोगों ने हटा लिया और फिर बाद में ये सेंसर देखा जिसमें हीटर को ऑपरेट करने के लिए जो सेंसर लगा था वो फट गया है, ये देखिए। और ये फटे हुए सेंसर की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही थी हीटर की, जिस वजह से हीटर काम नहीं कर रहा था। और अब हम लोगों ने इसके दोनों सेंसर को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। और ये सैमसंग की पीसीबी वाली मॉडल की रेफ्रिजरेटर है। और इसमें हम लोगों ने इस फैन को भी यहाँ निकाल रखा था, थोड़ा सा उसकी सफाई की गई है। ये फैन का जैक है, जबकि ये रोटरी स्विच है जो थर्मोस्टेट की जगह लगी होती है, ये भी एक सेंसर की तरह होती है। और इस सेंसर को भी जैक से कनेक्ट किया जाता है जो पीसीबी से कनेक्ट होता है। इस तरह से जब हम लोगों ने इसके सेंसर को चेंज किया तो ये फ्रिज प्रॉपरली काम कर रही है। तो जब भी ये मॉडल की रेफ्रिजरेटर आपको दिखाई दे जहां हीटिंग की प्रॉब्लम हो, यानी हीटिंग मोड में हीटर ऑन ना हो और कोई एक सेंसर खराब हो, तो आपको दोनों सेंसर चेंज कर देना चाहिए, जिससे ये रेफ्रिजरेटर प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।